चैनल क्लास मेकओवर वंस अगेन। एक्चुअली मैं आई नो मैं बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। एंड मैं इस बीच मैंने कोई मेकअप वीडियो भी अपलोड नहीं किया है, बिकॉज द रीज़न इज़ मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बिजी इन द सेंस मेरी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं एंड मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा था। सो मैं बहुत ज़्यादा बिजी एंड बहुत ज़्यादा टेंस टू आस, बट मैंने आज फाइनली डिसाइड किया कि मुझे आज एक व्लॉग शूट करना है, एज बिकॉज टुडे इज समथिंग स्पेशल आप बोल सकते हैं। एंड वो स्पेशल क्या होने वाला है आप बहुत जल्द देख पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप शायद देख पा रहे हैं मेरी जो राइट वाली आईज है, लेट मी शो यू गाइस प्रॉपरली, जो मेरी राइट वाली आईज है आप देख सकते हैं उसकी बैंड बजी हुई है। एक्चुअली मेरी जो राइट आई है वो इट्स नॉट पेनिंग, बट अचानक से सडनली आई डोंट नो क्या हुआ, आज सुबह मैं उठी एंड आई वॉज ऑन द टेबल, माई ब्रेकफास्ट टेबल, एंड जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी दैट टाइम सब कोई बोलने लगे कि तुम्हारा जो राइट आई है वो रेड रेड हो रखा है, रेड रेड। मैंने सोचा ठीक है फाइन, हाँ ठीक है रेड रेड हो रखा है, व्हाट्स बिग डील, और ये बहुत ज़्यादा ईचिंग भी हो रहा है इस पर। तो मैंने सोचा ठीक है कभी कभी फाइन होता है ऐसा, ईचिंग होता है, रेड रेड हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। अभी सडनली जब मैंने देखा बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, मैंने मिरर में देखा एक दो बार, मैंने कोल्ड वाटर से उसे अच्छे से वॉश भी किया, एंड आफ्टर दैट मैंने नोटिस किया मिरर में देख के, तो मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरी वाइट एरिया है आइज़ की, मतलब ये राइट कॉर्नर जो लेंस की कॉर्नर में है, वो अजीब सा मुझे यहाँ पे स्वॉलन स्वॉलन फील हो रहा है एंड कंटिन्यूसली पानी नहीं आ रही है, बट मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी तरह से उसे ईच करूँ, मतलब एकदम नेल्स से उसे स्क्रैच कर दूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। ओके सो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे लिए ड्रॉपर लेने के लिए, आई ड्रॉपर लेने के लिए, हम देखते हैं एंड मुझे रिलीफ मिलती है कि नहीं ड्रॉपर से, एंड अगर रिलीफ मिलती है देन इट्स फाइन, अगर नहीं मिलती है तो हम कंसल्ट करेंगे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास। एंड सो मैंने स्टार्ट कर दिया है आज का व्लॉग यहीं से, एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो गया। आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल आपको देखने के लिए मिलेगा, सो प्लीज स्किप मत कीजिए एंड कंटिन्यू वॉचिंग। चावल मैंने चढ़ा दिया है एंड होने वाली है राइस, एंड यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ प्रॉन करी, प्रॉन बन रही है आज। सो थोड़ी देर में हम लोग लंच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लंच कंप्लीट हो गया है, खाना बन चुका था, हमने खा लिया है एंड घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, कपड़े धुल चुके हैं एंड बाकी सब तो सब सुबह ही हो जाता है। सो अभी मैं बेड पे हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ रूम में, एंड आफ्टर सम टाइम 10 to 15 minutes लेटर मैं आई बी गेटिंग रेडी, मुझे कहीं जाना है एंड कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किस लिए जाना है, ये सरप्राइज है आपके लिए एंड इवन समवन हु इज़ स्पेशल गेस्ट टुडे इन द वीडियो। आज स्पेशल गेस्ट जो है आज की जो ये व्लॉग है उसके लिए भी ये सरप्राइज़ है एंड आपके लिए भी सरप्राइज़ है, और ये सरप्राइज़ मैं बहुत जल्द रिवील करूँगी एंड सो स्टे ट्यून्ड। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं रेडी होंगी थोड़ी देर बाद एंड देन मैं आपको अपने साथ ले जाती हूँ। ओके फ्रेंड्स,
दिस इज माई फाइनल लुक. मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली एंड नाउ आई एम अबाउट टू अराइव. हेयर को मैंने बहुत टाइटली क्लच कर लिया है. आई गेस मैं रस्ते में इसे बन बना लूँगी एज बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. आई गेस मुझे लग रहा है कि मेरा मेकअप मेल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो ओके कैच यू ऑन द वे. सो अब मैं रिवील कर देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ एंड क्यों जा रही हूँ. आई होप कि आपको सुनाई दे रहा है. आई एम विद मास्क ऑन. सो आज है मेरी मम्मी का बर्थडे, मेरी मम्मी का बर्थडे एंड मैं जा रही हूँ मेरा मायका. और ये एक सरप्राइज प्लान बर्थडे है. पूरी कोशिश है हम दोनों की, मैं और मेरे देवर भाई जा रहे हैं, तो हम दोनों की और मेरे भाई भैया भाभी सबको ही कोशिश ये है कि इस एक सरप्राइज बर्थडे प्लान कर पाए. बट लेट्स सी मम्मी को पता चलता है कि नहीं, क्योंकि मम्मियों को पता चल ही जाता है और मम्मी को बंद करके रखा भी नहीं जाता है. सो देखते हैं क्या होता है. सो पहुंच के देखते हैं. जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं कुछ रिवील करने वाली हूँ एंड आज की जो स्पेशल गेस्ट है वो है मेरी मॉम. मेरे मॉम से आप लोग कभी भी नहीं मिले हैं अभी तक. सो फर्स्ट टाइम मैं मीट करवा रही हूँ अपने मॉम से. सो मम्मी, सो ये है मेरी माँ. नमस्ते. जिसका आज बर्थडे है, मेरी मम्मी का आज बर्थडे. ये बर्थडे गर्ल है आज का, आज की इवनिंग का बर्थडे गर्ल. सो कुछ बोलना है आपको? आप लोग की तरफ से और क्या बोलूँ मैं, सब लोग मिलके मुझे हैप्पी बर्थडे बोलिए, मैं थैंक यू बोलूँगी. श्योर श्योर, कमेंट में भर भर के विश कीजिएगा मेरी मम्मी को. मेरी मम्मी का बर्थडे विश कर दीजिएगा. मेरी मम्मी ने ये गिफ्ट मांगा है आप लोग से कि मम्मी को कमेंट में बर्थडे विशेस आए, है ना मम्मी? यस. सो चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग आज. और बहुत कुछ होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड, स्किप मत कीजिएगा. बर्थडे का जो प्रिपरेशन है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है. हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि बलून को एक जगह स्टे करवाएं, बट फैन ऑन करते साथ ही सारा बलून इधर से उधर ब्लो हो जा रहा है. एंड इन द मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि मेरी जो आई की कंडीशन है वो अभी काफ़ी बेटर है. सुबह से काफ़ी बेटर है. मैंने ड्रॉपर यूज़ किया एंड ये अभी फार बेटर. मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिली है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है, क्योंकि सुबह तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. एंड जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर मैं अगर मैं मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा तो मैं बहुत जल्दी ऑप्टोमोलॉजी से वो कंसल्ट करूंगी. सो अभी बहुत ज्यादा रिलीफ है. आप देख सकते हैं मेरा आईज अभी तो समझ में नहीं आएगा आई मेकअप में, बट आई एम ऑल राइट नाउ. सो देखते हैं क्या होता है आगे. देखते रहिए. गेट रेडी फॉर द काउंटडाउन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
उठेगी हाथ में मिलने के बाद। चेंज कर लिया है, मेकअप भी रिमूव कर लिया है, मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मस्ती किया घर पे। मैंने ट्राई किया है कि मैं बहुत कुछ आप लोग के लिए कवर करके आपको दिखा सकूं, बट मुझे फिर भी से ऑलमोस्ट बहुत कुछ मुझे स्किप करना पड़ा है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। आई होप कि आप लोग सभी को पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ एंड अब मुझे सोना है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे सेफ।